अब रायबरेली में फटा कोरोना बम। क्यों फट रहे हैं कोरोना बम? सूबे में क्यों बेकाबू हो रहे हैं हालात? आखिर कौन है यूपी में कोरोना काल के खलनायक? किसने बिगाड़ी उत्तर प्रदेश की सेहत? ये वो सवाल है जिनको जानना बेहद जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है इन सवालों के जवाबों को समझना। 33 नए कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि। रायबरेली में 33 लोगों में कोरोना की पुष्टि के बाद हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि 14 दिन पहले इनका टेस्ट करवाया गया था, लेकिन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई थी, और 14 दिनों बाद हुए टेस्ट में 33 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 14 दिनों पहले निगेटिव आई थी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बढ़ता कोरोना का ग्राफ सरकार और प्रशासन की चिंता का कारण बना हुआ है। यूपी में अब तक 1200 के पार कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है, और अब रायबरेली से आई खबर ने सनसनी फैला दी है। यूपी में 1200 के पार पहुंचा आंकड़ा। यूपी में कोरोना काल का खलनायक कौन है? 2 मार्च को आए पहले मामले के बाद हालात बेकाबू होते चले गए, लेकिन किसी की इस पर नजर नहीं पड़ी। लापरवाही कहिए या फिर अनदेखी, हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। यूपी में कोरोना पॉजिटिव का सबसे पहला केस 2 मार्च को आगरा में सामने आया। वहीं लखनऊ में 12 मार्च को विदेश से लौटी महिला चिकित्सक में कोरोना की पुष्टि हुई। 20 मार्च को यूपी में कोरोना पॉजिटिव के 23 केस थे, फिर 31 मार्च तक ये संख्या बढ़कर 103 पहुंच गई। 31 मार्च तक भी हालात काबू में थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अप्रैल के महज 20 दिन में यूपी में कोरोना पेशेंट्स की संख्या बेकाबू होकर 1176 तक पहुंच गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यूपी में कोरोना बम फट गया? कौन है कोरोना काल का खलनायक? कौन है मानवता का नाशक? कौन है उत्तर प्रदेश में कोरोना का जिम्मेदार? यूपी में कोरोना के मामलों की शुरुआत के साथ ही योगी सरकार ने कमर कस ली। खुद सीएम योगी अधिकारियों के साथ ऐसी रणनीति बनाने में जुट गए कि कोरोना पांव ना पसार सके। इसमें सफलता भी नजर आने लगी। धीरे धीरे एक एक कर 3 बड़ी ऐसी वजह बनी जिससे कोरोना के पेशेंट्स अचानक कई गुना बढ़ गए। ये 3 वजह थी: जमाती, नोएडा की सीज फायर कंपनी और आगरा का पारस हॉस्पिटल। कोरोना से जुड़े आंकड़े खुद इस बात की तस्दीक करते हैं। 21 अप्रैल सुबह 6 बजे तक यूपी में पॉजिटिव केस 1294 थे। इसमें 866 जमाती या उनके संपर्क में आने से कोरोना पॉजिटिव थे। 79 केस आगरा के पारस हॉस्पिटल या उनके कॉन्टेक्ट से जुड़े हुए हैं। 56 केस सीज फायर कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी और उनसे संपर्क में आए लोगों के हैं। यानी यूपी के कुल 1294 कोरोना पॉजिटिव में 1001 केस तो सिर्फ जमाती, आगरा के पारस हॉस्पिटल या नोएडा की सीज फायर कंपनी से जुड़े हैं। इसके अलावा यूपी में 293 कोरोना पॉजिटिव और हैं। इसके अलावा यूपी में 293 कोरोना पॉजिटिव ही और हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि अगर ये 3 वजह ना होती तो यूपी में कोरोना का ऐसा रूप भी नहीं होता। असल में तबलीगी जमात के लोगों के जगह जगह पहुंचने से कोरोना पॉजिटिव के केस बेतहाशा बढ़े। आगरा के पारस हॉस्पिटल में किडनी की बीमारी से पीड़ित आगरा की 65 वर्ष की महिला 15 मार्च से 2 अप्रैल तक भर्ती रही। यहां से जब वो मथुरा के नैति अस्पताल में पहुंची तो 4 अप्रैल को उसमें संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने पारस हॉस्पिटल के स्टाफ और यहां भर्ती मरीजों को और उनके संपर्क में आए सभी लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे। इसके बाद आगरा में कोरोना विस्फोट हो गया। इसी तरह नोएडा की सीज फायर कंपनी में ब्रिटेन का एक शख्स ऑडिट करने आया, वो कोरोना वायरस से संक्रमित था। इसके बाद 24 मार्च को कंपनी का एक व्यक्ति जिला अस्पताल में भर्ती हुआ, जिसमें 27 मार्च को कोरोना की पुष्टि हुई। इसके बाद नोएडा में तेजी से कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ते गए। अब आपको बताते हैं आगरा, लखनऊ और नोएडा में कैसे बढ़े कोरोना के मामले। आगरा में कुल 266 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 92 जमाती हैं। इसके अलावा 79 केस पारस अस्पताल वाले हैं। बात करें लखनऊ की तो 168 पॉजिटिव केसों में 140 के करीब जमाती हैं। वहीं नोएडा के 100 केसों में 56 तो सीज फायर कंपनी के केस हैं। कुछ दशक पहले एक फिल्म आई थी खलनायक। उस फिल्म का एक बहुत ही चर्चित डायलॉग था, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना को फैलाने वाले 3 बड़े खलनायक हैं: कुछ जमाती, पारस हॉस्पिटल और सीज फायर कंपनी।
उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर खुद सरकारी आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। अगर इन तीनों ने लापरवाही नहीं की होती तो उत्तर प्रदेश में कोरोना को इस तरह से पैर पसारने का मौका ही नहीं मिलता। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।